जहां एक तरफ त्योहारी सीजन चल रहा है और बाजारों में लोग खरीदारी के लिए जा रहे हैं, वहीं नो प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी प्रशासन ने जोर पकड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हीं दिनों में ही दुकानदारों के द्वारा छुपाकर प्लास्टिक लिफाफों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए प्रशासन द्वारा रोक लगाने के बावजूद भी प्लास्टिक बोतल, कंटेनर और पॉलीथीन जैसी चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में मनीमाजरा प्रशासन के निगम अधिकारी इंस्पेक्टर देवेंद्र द्वारा मशहूर सिरमा फन रिपब्लिक में रेड मारी गई, जहां उन्होंने निगम की टीम के साथ प्लास्टिक कंटेनर व पॉलीथीन के इस्तेमाल और साफ सफाई को लेकर मनीमाजरा के सालों पुराने सिरमा के रेस्टोरेंट में रेड मारी। अर्थप्रकाश से बातचीत करते हुए निगम के इंस्पेक्टर देवेंद्र ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। जैसे कि आपको पता है कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसके मद्देनज़र आज हमने FR फन रिपब्लिक को चेक किया, मार्केट को चेक किया, जो भी प्लास्टिक यूज़र पाए गए, जो डस्टबिन जिन्होंने डस्टबिन टू ट्विन बिन नहीं लगा रखे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ करें, उनके प्रति कार्रवाई करते हुए उनके चलान किए। कितने चलान काटे गए और आपको कितना प्लास्टिक मिला? दो प्लास्टिक के और दो सेग्रीगेशन के, चार चलान हमने टोटल किए। पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे सर एज अ फेस्टिवल सीजन को लेकर? आपके चैनल के माध्यम से मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि फेस्टिवल सीजन है, कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, जो भी कपड़े से बने हुए बैग का ही प्रयोग करें, अपने घर से बैग लेके आएँ, उसमें अपना सामान लेके जाएं, ताकि पर्यावरण को भी साफ रखा जा सके